will study chapter 12, that is exponent parts. It's a very difficult chapter as it is new for you. The concepts is very difficult. But at the end, you will say it very easy chapter because I will make the concepts very easy. Okay. तो इससे पहले हमें जानना होगा कि एक्सपोनेंट और पावर होते क्या हैं। हमें पहले चैप्टर का टाइटल को समझना होगा। तो एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर होता क्या है। अगर मैंने यहाँ नंबर लिखा 24 raised to power 2, तो ये क्या है और ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये होता है, इसे हम कहते हैं बेस और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो जो बेस पे खड़ा है, एज यू नो ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस क्या होता है, ये ट्रायंगल का बेस होता है। तो बेस पे खड़ा होता है उसे हम कहते हैं बेस। ये हाइपोटेन्यूज एंड इज परपेंडिकुलर, तो इसे हम कहते हैं बेस। और जो इसके साथ ऊपर पावर होती है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। पावर का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम लिखते हैं 24 raised to power 2। इसका मतलब ये है, जो ये नंबर है ये 24 का ये है बेस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, जैसे मेरे हाथ में देखिए ये कौन सी, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। सो अगला केस जो हमारे पास पहला केस आता है वो है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स विद पावर्स। मींस आपको पता है बेस हम कोई भी ले सकते हैं। अब वो कह रहा है पावर जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, एक्सपोनेंट नेगेटिव। हम कभी भी इसको नेगेटिव सॉल्व नहीं करते। आपको पता है इसका मतलब ये है, मतलब ये माइनस में तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो इसको अपने हमेशा पॉजिटिव में छोड़ना। आपको पता है इसका डिनोमिनेटर 1 है, तब इसका रेप्लिका करेंगे। आपको पता है जब भी कोई साइन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, ठीक है। आपने हमेशा इसे पॉजिटिव में छोड़ना, कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ना। तो दोबारा रिकॉल करेंगे, अगर पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेप्लिका करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट केस पे अगला कॉन्सेप्ट देखें। जब हमारे पास एक्सपोनेंट जीरो होता है, जीरो होता है का मतलब है बेस कुछ नहीं और ये जीरो है। तो जब हमारा एक्सपोनेंट या पावर जीरो होगी तो पूरी टर्म जो है वो वन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वन। तो जब भी पावर जीरो है तो ये जो पूरा टर्म है ये वन कंसिडर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है और ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोबारा देखेंगे, जब भी बेस के साथ जो पावर वो जीरो होगी तो पूरी टर्म एक्चुअली वन कहलाएगी। ओके, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट आता है जो है रूल ऑफ एक्सपोनेंट, जो इसके हर क्वेश्चन में यूज होगा जैसे मैं से करके। अब देखिए पहला रूल जो हमारे पास आता है वो है a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए एम प्लस एन। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसकी आपको इसका ही जनरल फॉर्म याद करनी बहुत जरूरी है। कभी कभार ये वन मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और हर क्वेश्चन में जब आप कोई भी रूल लगाते हैं तो उसके साथ आपको ये इसकी जनरल फॉर्म लिखनी होती है। आप ये वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, आप रूल नहीं चेंज कर सकते। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखिए 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 3 इक्वल टू दैट इज 5 2 प्लस 3। यहाँ पे पावर्स एड होते हैं। इसका मतलब ये है जब बेस सेम हो, पावर्स अलग हो और वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो तो जो बेस एज इट इज लिखा जाता है और पावर्स एड हो जाती है। अगले केस में चलिए, सेम केस, जब बेस सेम हो, पावर अलग हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम अगले दो रूल्स पढ़ते हैं। सो अगले दो रूल्स, ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए एम एन। होल पावर का मतलब होता है इस पूरे की पावर। तो जब आपको कुछ ऐसा केस मिले जिसमें ए की पावर भी दी हुई है कुछ ऐसे, उसके ऊपर भी एक पावर दी है होल, तो क्या होता है कि दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेट हो जाती है एज इक्वल टू दिस, वी आर मेकिंग द रूल। जब भी आप कुछ ऐसा केस आप करें तो आप साथ में ये रूल लिखेंगे, ये रूल को दिमाग में बिठाइए। अगला, सेम एंड द वन थिंग, हमने एक मल्टीप्लीकेशन रूल किया था, इसमें क्या है बेस अलग है पावर सेम है। तो जैसे उसमें पावर एड हुई थी, इसमें बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वो सेम रहेगी। देखिए अगर आपके पास केस कुछ ऐसा होता है तो 5 into 4 that is equal to 2 that is 21 that is actually 400। तो कुछ ऐसा केस जब आपका बेस अलग अलग आए, पावर सेम आए और फिर आपने एज इट इज पावर सेम लिखनी है और बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लास्ट रूल पे अपने चलते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको एक रूल इसका एक और बताऊंगा जो बहुत रेयर आता है, सेम एंड द वन थिंग मल्टीप्लाई का साइन हटता है, डिवाइड आता है। तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और पावर सेम लिखी जाती है।
तो कुछ ऐसा केस भी आता है। तो अब हम अगले केस पे चलते हैं। सो लास्ट रूल और द लास्ट केस स्टडी वी हैव टू डू, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब बेस तो एक ही होगा या बेस अलग भी हो पर एक की भी पावर जीरो आ जाए, एक्सपोनेंट जीरो आ जाए, तो पूरी टर्म विल बी कंसिडर्ड एज वन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे खास कर इसे भूल जाते हैं, आपको इसे हर वक्त अपने माइंड में रखना है। जब भी आप सिंप्लीफाई वगैरह करें, अब हम एग्जाम्पल्स पे चलने जा रहे हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, तो जब भी आप करें आपको रूल्स रिमाइंड में रखने हैं, सारे पावर्स सब कुछ, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल्स की, तो हमारा एग्जाम्पल वन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब कैलकुलेट करना। अब कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, कभी भी जब पावर नेगेटिव हो तो उसे पहले हमेशा पॉजिटिव बनाना है, फिर सॉल्व करना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका, फर्स्ट हमको सॉल्व करेंगे, सारे रेप्लिका करेंगे इसका, वन होगा वन अपॉन टू दैट इज थ्री, क्या आंसर आएगा, वन अपॉन टू को टू एट, इट इज द आंसर। सी, हमेशा पावर नेगेटिव हो तो पहले उसे पॉजिटिव बनाए, फिर इसको खोल दे, सॉल्व कर दे। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है तो यहीं तक करना है, वो आगे भी आएगा। इसको करेंगे, देखेंगे, रेप्लिका करेंगे, थ्री टू पावर टू दैट इज नाइन, ओके। अब हमने रेप्लिका किया, पहली वन ऊपर लिखा होता हमने ऊपर ले गए, पॉजिटिव होगी, फिर चीजा नाइन, ओके, इट्स वेरी इजी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हमारा एक्सपोनेंशियल के रूल्स का काम करना आ गया है, अब इसमें हम रूल्स लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार याद कराना चाहूंगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रूल्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या लगे, देखिए पहली चीज देखेंगे बेस सेम है ना, पावर्स अलग है, साइन किसका, मल्टीप्लीकेशन, मतलब बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है, तो पावर्स क्या हो जाती है, एड। चलो एड करते हैं, बेस रिटर्न एज वन, पावर्स कैलकुलेटेड इट वुड बी माइनस फाइव, या अब इसको पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसको हमें पॉजिटिव में छोड़ना है, तो रेप्लिका करेंगे, पावर प्लस में चली गई, ये चाहे नेगेटिव रहे। अब हम इसके अगले पार्ट, सो इसके दूसरे पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, जो इसमें भी अब अपने एक्सपेरिमेंट का रूल दिखाना है। तो अब देखते हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग है, पर साइन क्या है, डिवीजन का, तो पावर्स हो जाएंगी माइनस। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैंने आपके लिए कर दिया है, देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। हमेशा जब भी आप कौन सा भी रूल लगा रहे हैं, आप साइड में से ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे, वन मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 जाएगा, टू मार्क का क्वेश्चन है तो 1 जाएगा, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 जाएगा, हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इट। सो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ ही आएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो अब आपके पास दूसरे टाइप का सम आता है हमारे पास, कुछ कि आपको आता है इसका बेस चेंज करो। अब हम इस बेस को डायरेक्ट आप चेंज, कहीं आपको बोले और आप ऐसे लिख लो, ये कुछ नहीं होता, आपको बेस को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कैसे करते हैं देखें, आप पहले सोचेंगे हम बेस को लिख कैसे सकते हैं, हम लिख सकते टू इंटू टू, क्या टू इंटू टू फोर होता है, होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू, इज इट करेक्ट, वी कैन राइट इट। सो फिर अब इसमें एक रूल लग रहा है, जहां रूल लगता है वहां रूल लगाने लगाना है, और हर समय आपका कोई ना कोई रूल लगेगा। अब आप देखिए इसमें आपका ये रूल लग रहा है, ए एम होल पावर एन इक्वल टू ए एम एन, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस सिक्स, इसे आप इसमें भी लेके जाएंगे, ठीक है, पावर क्या आई, बेस आ गया टू, सॉल्व भी हुआ, बेस आया टू। तो अब आप देखें, अगर आपको पहले से टू का स्क्वायर पता है हम लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते, पर एज यू आर न्यू विद दिस टाइप ऑफ सम, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस फर्स्ट, डू स्टेप बाय स्टेप, देर विल बी नो मिस्टेक इन कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर, पूरा वन टू पे बेस्ड है, तो एग्जाम्पल वन और टू जैसा ही है, तो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, दिख रहा होगा, है ना। तो आपने कुछ ऐसा करना है ये सम्स को, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी आपको साइड में हर किसी के रूल्स लिखने हैं, रूल्स लिखने ही हैं। तो आपको पता ही है मार्क्स डिडक्शन उसकी, तो ये आप घर पे ट्राई करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल फाइव कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ दिस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ब्लैक मार्कर से, एम प्लस वन फाइव एंड सेवन, दिस आर द एक्सपोनेंट्स, या अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। पहले एक्सपोनेंट का रूल आ रहा है माइनस थ्री, पावर सेम, मल्टीप्लीकेशन पावर से भी एडेड,
दोबारा देखेंगे हमने क्या किया, हमने क्या करना है देखें, इसमें मेन है हमें इसमें क्या करना होता है, पावर्स को कंपेयर करना होता है। पावर्स तब तक कंपेयर नहीं होती है जब हम LHS और RHS को लोएस्ट फॉर्म तक नहीं लेके जाते हैं, दोनों तरफ बेस सेम नहीं आ जाता और सिर्फ एक एक डिजिट्स, एक एक टर्म रह जाती है, तब हम पावर कंपेयर करते हैं। पावर कंपेयर करने का मतलब होता है जब बेस सेम रहता है इसको उठा के इसको कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लग रहा है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। अब एक्सपोनेंट का रूल कौन सा लगाया आपको पता है, AM या खुद लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे करते हैं तो ये कुछ आता है M+6 या इधर -7। आप देख सकते हैं LHS एक एक टर्म रह चुकी है, लोएस्ट टर्म तक आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द पावर्स। तो कंपेयरिंग द पावर्स मतलब सिर्फ पावर्स लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे एज इट इज, जैसे ये लिखे हुए बेस जगह यहाँ पे एज इट इज पावर्स लिख देंगे। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या बनी, 1। नोट करें और एक बार दोबारा देखें, हमें LHS और RH को लोएस्ट फॉर्म तक लेकर जाना होता है ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, एम की वैल्यू निकाल सके, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे पावर्स को और लास्ट में हम कंपेयर करके एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम वन एंड द लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो एग्जांपल सिक्स लास्ट एग्जांपल देखेंगे अब हम। होल पावर का मतलब होता है कि दोनों की पावर एज इट इज सेम है, होल पावर का मतलब होता है दोनों की पावर सेम है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको बाद में आप प्लस में लेके आए या अभी प्लस में लेके आए एक ही बात है। तो अब देखें, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ही प्लस में लेके आते हैं, रेप्लिका कर देंगे, पावर इज पॉजिटिव, सॉल्व करेंगे 9/4, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस केस वन लगाना था। तो जो एक एग्जांपल हमारे पास 4 था उसमें सिर्फ आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना, वो मैंने ट्राई दिस दिया है, तो उसको आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ेंगे, आप आगे ऐसे नहीं करेंगे। अगर पावर बच रही है तो पावर बचने में ही छोड़ेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक द वीडियो और स्टे सेफ स्टे होम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 12.1 एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।